हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सपोर्ट। आज मैं आपको जो है जो वोटर आईडी कार्ड है आपका, उसमें आधार कार्ड लिंक करके बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आपको वो कैसे लिंक करना है, कैसे क्या प्रोसेस है, वो संपूर्ण प्रोसेस आपको बताने वाला हूँ। कैसे आपको वोटर आईडी कार्ड में लॉगिन करना है, कैसे आपको लिंक करना है, क्या ओटीपी डालनी है या नहीं, नंबर लिंक होना ज़रूरी है नहीं, इस सारे डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आने वाली बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आपको बताते हैं कि कैसे आपको जो है अपना वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है। आप सभी को लिंक करना अनिवार्य है, ये नहीं है कि कोई करे कोई ना करे, तो आपको सभी को करना अनिवार्य है। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे आप जो है क्या प्रोसेस है। तो चलिए आपको ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। वहाँ पे आपको जो है क्रोम ब्राउज़र खोल लेना है और क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको सिंपली वहाँ पर सर्च कर लेना है वोटर पोर्टल। तो चलिए अब इसके बाद की प्रोसेस बताते हैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, तो अब आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। तो आपको बताते हैं आगे की प्रोसेस क्या आपको कैसे करना है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको यहाँ पर वोटर पोर्टल सर्च करना है और जो आपको सबसे ऊपर लिख के आ रहा है होम वोटर पोर्टल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अपना आईडी, अगर आपने क्रिएट नहीं किया अभी तक, आप नए से अपडेट करना चाहते हैं तो आपको सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आपका जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एक कोई डालना है और ओटीपी डालना है और सिंपली पासवर्ड सेट कर लेना है और आपका सिंपली जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सिंपली सी प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों, इसके बाद मैंने अपना जो है मोबाइल नंबर पासवर्ड डाल के ओटीपी कर लॉगिन कर लिया है। और इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि आपको जो आधार कार्ड का लिंक है वो कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब जो चौथे नंबर पर सामने आर आधार लिंकेज, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं फर्स्ट पे है न्यू अप्लाई के, दूसरा है करेक्शन के लिए, तीसरा है डेलीगेशन ऑफ वोटर आईडी, डेलीटेशन ऑफ वोटर आईडी और चौथे नंबर के आपका आधार लिंकेज। तो आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं, यहां पर आपका नाम आ जाएगा और वेलकम आ जाएगा लिख के, और आपको नीचे कुछ और लिखाएगा या आपको पढ़ लेना है, रेफरेंस नंबर मिल जाएगा ट्रैक के लिए। तो इसके बाद आपको लेस्ट गो पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लेस्ट गो पे क्लिक करेंगे तो आपको यहां पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, आई नो आई डोंट हैव वोटर आईडी नंबर एस आई हैव वोटर आईडी नंबर। तो आपको आपके पास है वोटर आईडी नंबर तभी तो आप लिंक कर रहे हैं, तो आपको एस वाले पे क्लिक करना है, अपना वोटर आईडी नंबर डालना है, फैक्ट डिटेल पे क्लिक करना है। जैसे आप फैक्ट डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है वोटर आईडी समग्र डिटेल ले जाएगी और आपको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो वोटर आईडी में जो भी आपकी जानकारी फिलअप है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, आपका मतदाता क्रमांक, आपका मतदाता केंद्र, आपका जनपद सदस्य, सभी यहाँ पर आ जाएगा, सांसद वगैरह आ जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली प्रोसेस पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए मांगेगा। तो सिंपली यहाँ से मैं अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डाल लिया और सिंपली ओटीपी भी फिलअप कर लेता हूँ। मेरे मोबाइल पर जो ओटीपी आ चुकी है इसको मैं डाल के सिंपली फिलअप कर लेता हूँ, 322032। चलिए दोस्तों, तो यहाँ से मैंने ओटीपी डाल ली है और देख सकते हैं सक्सेस मोबाइल नंबर वेरीफाई। इसके बाद आप देख सकते हैं डिटेल ऑफ पर्सन फॉर फॉर्म 6B फॉर्म है जो आपको, इसको आपको भरना है। 6B फॉर्म में आपको यहाँ पर करना है एस आई है आधार नंबर, क्योंकि आप आधार कार्ड लिंक ही कर रहे हैं तो आपके पास आधार नंबर तो हो ही। तो यहाँ पर आपको जो है अपना आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद आपका जो नेम रहेगा फुल नेम, यहाँ पर सभी आपको चेक कर लेना है सही है या नहीं है। अगर सही है तो आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, अगर नहीं है तो आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको जनरल डेलीगेशन डेलीगेशन मांगेगा। आपको यहाँ पर आपकी डेट दिए रहेगी, आपका प्लेस डालना पड़ेगा, जो भी आप जहाँ भी आपने ये बनाया है, जहाँ से भी आपने ये आधार लिंक किया है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका अपना नीचे नेम दिया रहेगा तो वो आपका ऑटोमेटिक ही रहेगा या आपको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका पूरा फॉर्म 6B पूरा डिटेल में दिख जाएगा, आपने क्या क्या डिटेल डाली, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
और आपका आधार नंबर सभी डिटेल यहाँ पर दिखेगा कि आपने क्या क्या किया है। फॉर्म 6 भी पूरा आपके सामने रिव्यू के लिए आ जाएगा। एक तरीके का रिव्यू करने के लिए फॉर्म आता है कि आपको देख लेना है कि क्या क्या भरा है मैंने, क्या क्या नहीं। उसके बाद जैसे आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। पूरा रिव्यू करने के बाद एक बार आपको सब चेक कर लेना। अगर आपको कुछ एडिट करना है तो इस साइड नीले कलर में बटन दिया हुआ है एडिट का, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो है रेफरेंस आईडी आ जाएगा, तो उसे आपको नोट डाउन कर लेना है। मेरा यहाँ पर देख सकते हैं, आप खुद देख सकते हैं, सॉरी देवेंद्र कुमार फ्रॉम इज़ ऑलरेडी सबमिटेड फॉर द गिवन डाटा फ्रॉम सबमिशन फील्ड प्लीज़ ट्राई अगेन। तो मेरा जो है पहले से मैंने यहाँ से अप्लाई कर रखा है, मैंने पहले से ही अपना जो है आधार कार्ड वोटर आई डी से लिंक के लिए आवेदन दे रखा है, तो इसलिए मेरा ये बता रहा है। अब जैसे ही यहाँ से सबमिट करेंगे तो आपका जो है सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपका जो है आधार कार्ड वोटर आई डी से लिंक होने के लिए प्रोसेस हो जाएगा। उसके लिए आपको ट्रैक भी करने का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे आप यहाँ से बैक करेंगे तो आपको एक ट्रैक नाउ का ऑप्शन आ जाएगा, तो उसे आपको ट्रैक भी कर लेना है। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।